पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है। ऐसे ही कुछ हालात इन दिनों पाकिस्तान के बने हुए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हालात यह है कि लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, और अगर मिल भी रही हैं, तो कीमत ज्यादा है। बता दें कि पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के दाम बीते एक साल में 50% तक बढ़ गए हैं। रोजमर्रा के जरूरत का सामान जैसे प्याज का भाव बीते साल 6 जनवरी 2022 को जहां पाकिस्तान में 36.7 पाकिस्तानी रुपया प्रति किलो था, उसी प्याज के भाव 5 जनवरी 2023 को बढ़कर 220 पाकिस्तानी रुपया प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यह तो सिर्फ हमने प्याज का बताया, पेट्रोल डीजल जैसे अन्य संसाधनों में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों पर गौर करें तो चिकन के दामों में बीते साल के मुकाबले 82%, दालों के दाम में 51%, बासमती चावल के दाम में 46%, सरसों के तेल के दाम में 42%, दूध के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के पास अब सिर्फ $11.4 बिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। बीते दिनों श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले थे। स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है।